आप देख रहे हैं लाइव 24 न्यूज। यूपी के राज्यपाल राम नाईक ने BHU मामले पर एक बयान दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि सरकारी रिपोर्ट के आधार पर केंद्र सरकार VC पर फैसला लेगी, जिसमें राज्यपाल की रिपोर्ट भी शामिल होगी। बता दें कि गवर्नर विद्या ज्ञान संस्थान के एक कार्यक्रम के तहत सीतापुर पहुंचे थे। उसमें क्या करना, यह लॉ एंड ऑर्डर का जो इशू है उसके बारे में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार उस पर निर्णय करेगी, और शिक्षा क्षेत्र के साथ संबंधित जो विषय है, यानी वहाँ कुलपति का व्यवहार ठीक था नहीं था, इसके बारे में केंद्र सरकार करेगी। मेरा दायित्व इसमें इतना ही होता है कि जो मैंने देखा है वो मैं राष्ट्रपति को बताता। मुजफ्फरनगर में नवरात्रों के चलते चारों ओर भक्ति रस की गंगा बह रही है, तो मंदिरों में मां भगवती के गुणगान और भक्तों की भीड़ पूजा अर्चना करने के लिए पहुंच रही है, जिसके चलते 1967 में स्थापित की गई श्री माता वैष्णो देवी मंदिर में बाण गंगा से जल लाकर एक सोत्र में जमा किया गया है। साथ ही पिछले 27 सालों से मां ज्वाला जी के अखंड ज्योति प्रज्वलित होने से यहां की महत्ता लोगों के बीच आस्था का बंधन बनी हुई है। सिद्धार्थनगर में त्योहारों के मद्देनजर पुलिस काफी सतर्कता बरत रही है, जिसके चलते नेपाल सीमा से सटे होने पर पुलिस ने रात में पैदल मार्च के साथ चेकिंग अभियान शुरू किया, जिसके तहत पुलिस द्वारा आने जाने वाले सभी वाहनों की चेकिंग भी की गई। मथुरा के गोवर्धन में चल रही श्री रामलीला महोत्सव में सेतुबंध लीला का भव्य मंचन किया गया, जिसमें ऐतिहासिक सेतुबंध लीला का मंचन मानसी गंगा में पानी के बीच नावों का पुल बनाकर किया गया, जिस पर भगवान श्री राम लक्ष्मण और वानर सेना सेतु पर सवार होकर मुकुट मुखारविंद मंदिर पहुंची। इस अवसर पर पूरी गिरिराज नगरी राजा रामचंद्र की जय जयकार से गूंज उठी। मथुरा में यमुना एक्सप्रेसवे पर सड़क हादसे कम होने का नाम नहीं ले रहे, जिसके चलते यमुना एक्सप्रेसवे पर 3 युवकों को ट्रक ने रौंदते हुए मौके से फरार हो गया। इस हादसे में 3 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि 3 युवक मॉर्निंग वॉक करने के लिए एक्सप्रेसवे पर आए हुए थे। घटना के 2 घंटे बाद पुलिस के मौके पर पहुंचने पर स्थानीय लोगों ने यमुना एक्सप्रेसवे को जाम कर दिया। मथुरा में अटला चुंगी के पास तेज गति से आ रही 2 मोटरसाइकिलों में आपस में भिड़ंत हो गई, जिसके बाद दोनों गाड़ियों में आग लग जाने से दोनों मोटरसाइकिल जलकर पूरी तरह खाक हो गईं। गनीमत रही कि किसी प्रकार की अनहोनी घटित नहीं हुई। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से बामुश्किल आग पर काबू पर जाँच शुरू की। मुहर्रम के दिनों में शिया समुदाय के लोग मातम मजलिस कर हजरत हुसैन और 71 साथियों की शहादत को याद करते हैं। साथ ही मुहर्रम की 6 तारीख को जनाब ए हुर की शहादत की याद में मातमी जुलूस निकालते हैं, जिसके चलते बुलंदशहर के सिकंदराबाद में यह जुलूस करीब 60 साल से निकाला जा रहा है, जिसमें शिया समुदाय के अलावा सुन्नी जमात और हिंदू धर्म के भी लाखों लोग शामिल होते हैं। गाजियाबाद में नेशनल हाईवे 24 पर एक तेज रफ्तार ट्रक ने एक स्कूटी सवार दंपत्ति को टक्कर मार दी, जिसमें पति गंभीर रूप से घायल हो गया, जबकि पत्नी और 2 वर्षीय मासूम बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि एक दंपत्ति अपने घर से बुलंदशहर स्कूटी से जा रहे थे, तभी पीछे से आ रहे तेज रफ्तार ट्रक ने टक्कर मार दी, जिसके बाद घायल हुए युवक को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। हमीरपुर में आंगनवाड़ी सहायिका संघ की कार्यकर्त्रियों ने अपनी मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट से एक रैली निकालकर शहर में जुलूस निकाला, साथ ही नारेबाजी करते हुए मुख्यमंत्री को संबोधित एक ज्ञापन DM को सौंपा, जिसके बाद अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू करते हुए मांग कर कहा कि उन्हें भी राज्य कर्मचारी का दर्जा दिया जाना चाहिए। त्योहारों पर मिलावटखोरों पर लगाम कसने के लिए बागपत में अधिकारियों ने सख्त रुख अपनाने शुरू कर दिए, जिसके चलते पिछले काफी समय से फलों को केमिकल से पकाकर और खराब फलों को बेचने को लेकर मिल रही शिकायतों पर कार्रवाई करते हुए खाद्य विभाग की टीम ने फल गोदामों पर ताबड़तोड़ छापेमारी की। इस छापेमारी के दौरान गोदामों पर सड़े गले और केमिकल युक्त फल पाए गए, जिन्हें नष्ट कर दिया गया, तो वहीं अचानक की गई छापेमारी से व्यापारियों में हड़कंप मच गया। पपीता जो है कार्बाइड से पका था वो मिला है, जिसके कि सैंपल लिए गए, जो कार्बाइड से पका हुआ था उसे नष्ट कर दिया गया। अच्छा। गाजीपुर में युवा MLC विशाल सिंह चंचल ने प्रधानमंत्री मोदी के स्वच्छता अभियान के तहत शहर के नवाबगंज चौराहे से लेकर रामलीला मैदान तक झाड़ू लगाकर सफाई की। इस अवसर पर MLC चंचल सिंह ने बताया कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जन्म शताब्दी पर प्रधानमंत्री मोदी जी के निर्देश के तहत पूरे देश में सफाई जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, जिससे स्वच्छ भारत के निर्माण में बल मिलेगा। बदायूं के लक्ष्मीपुर गांव में एक व्यक्ति ने अपनी साली की गणेश से काटकर हत्या कर दी, जिसके बाद आरोपी जीजा मौके से फरार हो गया, तो अब पुलिस ने आरोपी की तलाश में कई स्थानों पर छापेमारी करने के बाद मिली सूचना पर आरोपी जीजा को दफ्तोरी रेलवे स्टेशन पर गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।
आप देख रहे हैं लाइव 24 न्यूज़।